आई सब अंतरा साजी सब अंतरा बस ठीक दीजिए ठीक ये ठीक दीजिए बस दे सिर दवा पखपल खोल दे ठीक दीदा खोल वाले में कुने दार चाहपल खोले के मरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम दर्जा सौका के जैसा कि आप हजरात को इल्म है कि हमारी जमात का हमारे दस्तूर के मुताबिक दफा नंबर एक में नाम है जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान और हमारी जमात ने इस दस्तूर को इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया और हमारे जमात के जानिब से जिस लेटर पेड पर इलेक्शन कमीशन से खतो किताबत होती रही है उस पेड के माथे पर जमात का नाम है जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान। जिस फॉरम रुकनियत पर हमारी जमात की रुकनसाजी होती रही है उस फॉरम पर भी जमात का नाम है जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान। मगर हमारे इलेक्शन कमीशन ने न तो दस्तूर के दफा नंबर एक को मद्देनजर रखा है न जिस लेटर पेड पर जमात के जानिब से उसके साथ खतो किताबत हो रही है उसके माथे पर जमात के नाम को देखा है न ही रुकनियत फारम पर जो नाम है जमात का न उसको खातिर में लाया है बल्कि 2002 में इलेक्शन कमीशन ने जमात के नाम को किसी के ख्वाहिश पर जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान फजलुर रहमान के नाम से रजिस्टर किया और फिर आगे जाकर 2008 और 2013 में फिर किसी के ख्वाहिश पर हमारे इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए जमात का नाम जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान रजिस्टर करवाया। 2013 में जब मरकजी मजलिस अमूमी में हमारे एक साथी डॉक्टर अजीज़ुल्ला सातकज़ई ने मौलाना के कंधे पे हाथ रख के उनसे पूछा कि हजरत हमारी गलतफहमी का इजाला करें, सुनने में आता है कि जमात आपके नाम पर रजिस्टर हुआ है, अगर जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान फजलुर रहमान का के नाम पर होगा तो इसका माना यह है कि जमात मौलाना के नाम पर इलाट किया गया है जैसे कि कोई मिल्कियत इलाट होती है और अगर जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान है तो इसका माना ग्रुप है। तो आप हमारे ज़रा गलतफहमी का इजाला करें। तो उस मजलिस अमूमी में मौलाना साहब ने फरमाया कि कोई फजलुर रहमान और एफ नहीं है, जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान एक। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि
2002 का रजिस्ट्रेशन जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान फजल रहमान के नाम से था और 2008 और 2013 का रजिस्ट्रेशन जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान के नाम से था जिसमें पाकिस्तान नहीं था। और जब कोई एक साल की मुद्दत से साथियों ने इन चीज़ों को महसूस करते हुए और रुकन साजी और तंजीम साजी में दयानत के फुकदान को उन्होंने महसूस किया और जब इन चीज़ों का खोज लगाया तो बाद में फिर 2018 में जब 13 में ये बात हुई तो 2018 में जो रजिस्ट्रेशन की वो जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान फजल रहमान का, इसमें मौलाना के अपने दस्तखत से खत मौजूद है जिसमें उन्होंने खुद जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान नाम उस खत में दर्ज किया है और अपने आप को जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर्रहमान का अमीर भी जाहिर किया है। इसमें हैदरी साहब के दस्तखत से भी खत मौजूद है जिसमें वो लिखते हैं जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान फजलुर्रहमान ग्रुप, इसमें मौलाना कमरुद्दीन के ना दस्तखत से भी खत मौजूद है जिसमें वो मुतालबा करता है कि हमें यानी जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान को इंतखाबी निशान कलम अलाट किया जाए। तो जब एक साल से हाँ अभी जो सेनेट का इलेक्शन हुआ और हमारे एक चमन के साथी गौसुल्ला को टिकट दिया था जो हासिल बिजनजो मरहूम की जगह पे इलेक्शन लड़ रहा था, तो उसको भी तो क्या कलम नहीं उसको वो भी फे पे है यानी सरकारी तौर पे जो टिकट दिया गया, तो उस वक्त से फिर जब ये मसला ज़रा ज़्यादा उठा और यहाँ से बलूचिस्तान के साथियों ने उठाया, वहाँ KPK में हमारे मौलाना शुजाउल मुल्क साहब और मौलाना गुलनसीब खान साहब और सदर वहीद साहब और इस किस्म के जो सरकर्दा और चीदा साथी थे उन्होंने उठाया, तो फिर जा कर के कामरान मुर्तज़ा साहब ने दरख्वास्त जमा की और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये इलेक्शन कमीशन ने अज खुद किया है, हालांकि उसमें क्लेरिकल गलती है हालांकि मौलाना के दस्तखत से खत मौजूद है, मौलाना कमरुद्दीन साहब के दस्तखत से जो नायब अमीर है उसके दस्तखत से खत मौजूद है, जो जनरल सेक्रेटरी है अब्दुल्गफूर सैदरी साहब उसके दस्तखत से खत मौजूद हैं और उसमें प्रूफ है। और अब मौलाना शुजाउल मुल्क साहब ने एक पिटीशन इलेक्शन कमीशन को फाइल करवाई है कि ये क्लेरिकल गलती नहीं है बल्कि ये तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन है, और जब एक नाम से जमात दूसरे नाम पे रजिस्टर किया जाता है तो जनरल काउंसिल की करारदाद की पास करना ज़रूरी है और उस क्योंकि ये दस्तूरी आईनी मसला होता है और हमारे दस्तूर में गालिबन दफ़ा नंबर 5 का ज़ैली शिक नंबर 12 है या दफ़ा नंबर 12 का ज़ैली शिक 5 है मुझे ये याद नहीं है कि हमारे दस्तूर में तरमीम 2/3 अक्सरियत मरकजी मजलिस अमूमी, तो इस वजह से जो ऐलान हाफिज़ साहब के ओहदे के खात्मे और फिर रुकनीत के खात्मे किया गया या मौलाना गुलनसीब खान साहब का या शुजाउल मुल्क का या मेरे बारे में, जब हम फजलुर्रहमान में है नहीं यानी ग्रुप में हम नहीं,
हम जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के अरकान थे, हैं और रहेंगे। अब तो हम इस पे सोचेंगे कि क्या हम मौलाना साहब को नोटिस दें कि आपने ये किस दस्तूर के मुताबिक ये रजिस्ट्रेशन करवाया है और आपने क्यों जमात से अपनी अलाहदगी का है। ये इस पे अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस पे गौर करें। मजीद अगर कोई पूछना हो, हमने अपने साथियों को हिदायत जारी किए हैं कि हर ज़िले में, और अगर मैंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हो सके तो हर मस्जिद में रजिस्टर रखा जाए और उस मस्जिद के नमाजियों का जो जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के साथ हैं उनकी बाकायदा नाम, वल्दियत, कौमियत, सकूनत, उसकी जमाती ओहदे पुराने या नए, अगर सरकार में कोई ओहदा हो वो, उसका शनाख्ती कार्ड और उसका टेलीफोन नंबर, और सदर वही साहब ने शायद तजवीज़ पेश की थी कि अगर फोर्थ स्टेट हो सके, और इंशाल्लाह हर ज़िले में हम राबता मरकज़ खोलेंगे। कल तो रोग और शेरानी ज़िले के मुश्तरका तौर पे उन्होंने मरकज़ खोला है, और इंशाल्लाह मार्च में शायद लोरालाई में वो हो जाए, मुसाखिल में भी हुआ है और उसकी इफ्तिताह शायद मार्च में हो जाए, इसी तरह लसबेला में होगा इंशाल्लाह, नसीराबाद में होगा और मुख्तलिफ अज़ला में मराकज़ खोले जाएंगे ताकि साथी बाहम मरबूत रहें। और क्योंकि अगर रबत कट जाएगा तो हमें ख़तरा है कि साथी या तो मायूसी के शिकार हो जाएंगे, फ़राइज़ को छोड़ देंगे, या जज्बाती बंद करके अपने दायरे से निकल देंगे। तो इसलिए साथियों को इन दोनों मुश्किलात से महफूज करने के लिए और यही बात जो हमारे केपीके के जिम्मेदार साथी जो इस वक्त आप हजरात के सामने बैठी हुई है, उनके उनका भी यही मौक़ है कि हम अपने केपीके में भी इसी तरह। पीर आलमजेब शाह हैं, ये एबटाबाद के हैं, मौलाना शुजाउल मुल्क साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं केपीके के रह चुके हैं, मर्दान के हैं। गुल नसीब खान साहब तो आप सबको पता है, सेनेटर भी रह चुके हैं और अमीर भी हैं, और सदर अब्दुल वहीद साहब जो हैं वो सालार रह चुके हैं, हाफिज़ फज़ल महबूब साहब हैं, ये भी डॉक्टर शहाब साहब सूबाई आमले के, डॉक्टर शहाब साहब सूबाई आमले के अरकान, बहुत सारे खैबर पश्तूनख्वा के हैं, उनका भी मौक़िफ़ ये है कि जांच कर रहे हैं। तो क्या आप ये जमीयत उलमाए पाकिस्तान का भी कोई ऐसा है, या ये मौजूदा जो हुकूमत है उसकी आपकी पसंद की हुकूमत है? असल में चूँकि अभी तक हम मकाम दावत और रबते में हैं, जमात की शक्ल अभी हमने तश्कील नहीं दी है। अब देखते हैं, शुजाउल मुल्क साहब ने जो पिटीशन दायर की है, जब उसके नतज होंगे तो उसके बाद हम फिर कोई मशवरा करेंगे कि हमने क्या करना। मौलाना साहब, आपको नहीं लगता कि ये कोई तीसरी कुवत शायद आपका इस्तेमाल कर ले पीडीएम को नुकसान पहुँचाने के लिए? पीडीएम को नुकसान अपने आप से पहुँचेगा, हमसे नहीं पहुँचेगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं साथियों से कहता हूँ, पश्तों में कह देता हूँ, शिवर का दहर ये वक्फल है दूर सो ये वादा। जी आप कौन आप? नहीं, यानी आप ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन दस्तूर को नहीं देखता, लेटर पेड को नहीं देखता, रुकन साजी के फार्म को नहीं देखता, टिकट को नहीं देखता, जी टिकट को नहीं देखता है। जिस खत पर मौलाना के अपने दस्तखत हैं उसका माते पे और उसके मंदरजात पे नहीं देखता है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है? एक इस वक्त जो इख्तलाफात सामने नज़र आ रहे हैं, ये तो पिछला दो दाइयों से 20 साल से जी वाई पे का नाम है, अजीत पाकिस्तान हो, जैसे कबल जो कॉन्सल्टेशन हुआ
काफी पुराने दफा नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक पीडीएम के मौके पर इनका सामने आना, क्या मौलाना फजल रहमान इस वक्त दीगर जमातों की जानिब से केले यानी उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके नाराजगी यही है या आप लोगों ने अपना रास्ता पहले ही अलग करने का सोचा था? आपने मेरे ख्याल में जब धरना था और आज़ादी मार्च के नाम से कराची से रवाना हुई थी तो मैंने सिराबाद में आप ही की बिरादरी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा जैसे गए हैं उसी तरह आ गए, उस वक्त वो आपने नहीं सुना। और फिर यही जब मैं कराची में था तो हमारे एक साथी हैं मंसूर, हाफिज मंसूर साहब जो अभी यहाँ मौजूद है हब में, तो उसके घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझसे पूछा गया कि पीडीएम के बारे में आपकी राय क्या है। मैंने कहा एक ही कुव्वत है जिसका हाथ हुकूमत पर भी है और अपोजिशन पर भी है, और मैंने ये भी कहा था कि मुझे मुनासिब नहीं लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदरूनी इख्तलाफात में सियासी ज़ोमा को किरदार अदा करे। तो आप क्या समझते हैं कि ये पीडीएम पर हाथ किसका? कुछ भी नहीं। पीपल्स पार्टी जो है अब वो ये कह रही है कि जो है वो तब्दीली लाए असम्बली के अंदर, यानी वजीर आजम को ही हटाया जाए, जबकि इससे पहले वो कह रहे थे निज़ाम को हम लपेट दें और नए इंतखाबात की जानिब जाएं, ये जो तब्दीलियां हैं ये क्या जाहिर कर रही हैं? मेरे ख्याल में ये बात आप उनसे पूछे हमसे न पूछे। मैंने तो ये बात कही है कि पीडीएम जो है ये अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट दोनों मिलकर चक्की के दो पार्टों का किरदार मुल्क के तोड़ने के लिए अदा करेगी। मैंने ये कहा था और मैंने ये भी कहा था कि एक ही कुव्वत है जिसका हाथ अपोजिशन पर भी है और उसी कुव्वत का हाथ हुकूमत पर भी है, और ये भी मैंने कहा था कि ये इनका हर एक इनकी जो मुखासमत है ये बराए मुफाहमत है, कोई हदफ उनका नहीं है कि कोई कौमी मकासद हैं या कोई, आप बताएं कि वो जो कहते हैं जो मिसाक है उनका कि हम इलेक्शन कमीशन को आज़ाद करेंगे, हम अदलिया को आज़ाद करेंगे, हम प्रेस को आज़ाद करेंगे, ये सारी आज़ादियाँ उनके इम्कान में हैं? आप उसको सच समझते हैं या लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है? किरण साहब आपने कहा कि सोच रही है आपकी जमात जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर थी और है, मौलाना साहब को खिलाफ आईन इकदाम के बारे में नोटिस दिए, तो नोटिस देने के लिए जो मरकजी मजलिस अमूमी है उससे कितने अरकान आपसे रबते में और कितना टाइम देंगे उनको नोटिस के लिए? मैंने कहा कि ये हो सकता है, अभी तो नहीं है, जब वक्त आएगा तो फिर हम आपको बता देंगे कि ये नोटिस है, अब हम जारी करें। मौलाना साहब आपने इसराइल को तस्लीम करने से मुतल्लिक एक बयान दिया था, क्या आप आज भी उस पर कायम हैं या आप हट गए? जी मैं कायम हूँ, मैं कभी बातों से फिर गया हूँ, आपको कोई ऐसी तारीख याद है कि मैंने कोई बात की और उससे पीछे हटा हूँ? ये तो मेरी बात कोई आज की नहीं है, ये तो 1999 में जब यासिर अराफात मरहूम पाकिस्तान आ रहे थे और मैं असम्बली में था, और जब चेयर से ऐलान हुआ कि यासिर अराफात आएंगे 24 जून को 2099 में और वो मुश्तरका पार्लियामेंट से खिताब करेंगे, तो उस वक्त भी मैंने उस पर एतराज़ उठाया था और मौलाना अब्दुस्सत्तार नियाज़ी साहब उठे और मेरी मुखालफत की और मुझ पर वो जो माइक है वो बंद किया। मैंने कहा माइक तो आप बंद करोगे लेकिन मेरे मुँह पर कौन हाथ पकड़ते? मैं तो इस हक में हूँ कि बालफोर की जो तजवीज़ थी दो रियासतों की, अब ये कौन सा मंतिक है कि आपको कोई हिस्सा मिले और आप उसको दावे में ढाल दें? तो वो तो बालफोर के तजवीज़ में था कि यरूशलम जो है वो ओपन शहर हो और इसराइल की अक्सरियत मगरबी हिस्से में है वो इसराइली रियासत ऐलान हो और उसको तस्लीम किया जाए, फ़लस्तीन के मशरक़ी हिस्से में फ़लस्तीनियों की अक्सरियत है उसका ऐलान हो और तस्लीम किया जाए, जब 1948 में उन्होंने ऐलान यानी मशरूत होगा, यही आप देखें 1948 में उन्होंने ऐलान किया इसराइल ने और यासिर अराफात ने इनकार कर दिया और खुनरेजी शुरू हुई। जब अरब और इसराइल की जंग हुई तो मिस्र के इलाके को भी उसने हथिया लिया,
اردن کو بھی اس نے قبضے میں لیا, فلسطین کے علاقوں کو بھی قبضے میں لیا, اور شام کو گولان کی پہاڑیاں بھی قبضے میں لی. پھر ہر ایک اپنے اپنے علاقے کو چھڑانے کے لیے پاپڑ پیلتے رہے. یہی تقریر تو پی ڈی ایم کے جلسے میں لوگ کرتے ہیں. مولانا صاحب, آپ ماشاءاللہ سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, اس حکومت نے جو دینیات کی کتابیں ہیں مختلف اسکولوں میں اس میں ترامیم کی ہیں, اس حوالے سے آپ علماء کیا کہتے ہیں کہ اس حکومت کو اتنا حق ہے کہ وہ جہاد یا دوسرے جو دینی ترامیم ہیں اس وہ کرے؟ آپ بتائیں کہ یہ جو خونریزی ہے یہ امریکہ کی ضرورت ہے یا اسلام کی ضرورت ہے؟ تو امریکہ کی ضرورت کے لیے کوئی جہاد ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ خونریزی امریکہ کی اپنی ضرورت ہے, اور وہ کہتا ہے کہ دنیا پر جنگ مسلط رکھنا میرے وجود اور بقا کی ضرورت ہے, اور اگر امریکہ پوری دنیا کو فتح نہ کریں تو امریکن چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی, اور اگر دنیا میں کوئی بھی مملکت اپنے فیصلے خود اپنی آزاد رائے سے کریں وہ میرا دشمن ہے. تو میں مولویوں سے یہی کہتا ہوں, قوم پرستوں سے بھی, کہ اگر جنگ امریکہ کی ضرورت ہے اور مولوی اس کو نوجوانوں کی گردنی جہاد کے نام سے پیش کرتے ہیں, اور قوم پرست جو ہے آزادی کے نعرے سے پیش کرتے ہیں, تو قوم پرست اور مولوی امریکہ کی خدمت کرتے ہیں یا اسلام اور قوم کی خدمت کرتے ہیں؟ یہ کسی کی خدمت ہے؟